सबसे पहले शुरुआत करेंगे आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त गिरावट, लगभग 15% की गिरावट, और शुरुआत से लेकर एकदम क्लोजिंग तक एक तरफा हमें यह गिरावट देखने को मिला। सो इस प्रकार के इतने जबरदस्त गिरावट के पीछे का रीजन, क्योंकि अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन से भी ये स्टॉक एक अच्छे प्रॉफिट में दे रहा था, बट आज के दिन सडनली स्टॉक में हमें इस प्रकार के भयंकर नोज डाइव गिरावट देखने को मिला। तो इस प्रकार के गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? तो इसके रीजन की बात करें तो कंपनी के फ्यूचर गाइडेंस, तो सबसे पहले अगर हम हेडलाइन की बात करें जो कि आप देख सकते हो कि आज के दिन ये स्टॉक इस प्रकार के जबरदस्त तरीके से क्रैश हुआ है, उसके पीछे का रीजन है कि कंसर्न है ओवर ईबीटा गाइडेंस डंपिंग फ्रॉम चाइना, आपको इस प्रकार के हेडलाइन देखने को मिल जाएगा। और बाकी और डिटेल की बात करें तो बहुत ज्यादा कंसर्न रेज हो रहे हैं इस कंपनी में ओवर द कंपनी ईबीटा गाइडेंस एंड पोटेंशियल प्रेशर ऑन मार्जिन ड्यू टू डंपिंग ऑफ राइवल प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। तो चाइना के साथ जिस प्रकार के केमिकल सेक्टर में जिस प्रकार के हमें उनके साथ से डंपिंग देखने को मिले, तो इनके चलते जो हमारे इंडियन कंपनी है, खासकर अगर हम आरती इंडस्ट्री की बात करें तो इस आरती इंडस्ट्री के बिजनेस में इनके इनकम में इनके ईबीटा मार्जिन में आने मतलब हमें बहुत ज्यादा कंसर्न देखने को मिला कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हमें इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। बाकी अलग अलग अगर आप रिपोर्ट को देखोगे अलग अलग न्यूज चैनल पे तो इसी प्रकार की आपको खबर देखने को मिलेगा कि स्टॉक आज के दिन अभी तक के सबसे बड़ी गिरावट देखा है। इस प्रकार के एक दिन में 16% गिरावट स्टॉक ने 2008 में दिखाए थे, उसके बाद इतने सालों बाद जाकर स्टॉक ने एक दिन में इस प्रकार के इतने बड़े गिरावट दिखाए। रीजन है कि हेवी वॉल्यूम ऑन मार्जिन कंसर्न, तो हर जगह पे आपको यही हेडलाइन देखने को मिल जाएगा। बाकी एनडीटीवी की बात करें तो देख सकते हो स्टॉक नियर बाय एक टाइम पे लोअर सर्किट लगे थे, उसके पीछे का रीजन है कि कंसर्न है ऑन फाइनेंशियल आउटलुक यानी कि फ्यूचर के आउटलुक, फेसिंग पर्सिस्टेंस इशू विद ग्लोबल सप्लाई चेन ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम चाइना। तो हमें इसी प्रकार की खबर देखने को मिल रही है और इसी खबर के चलते आज के दिन स्टॉक में अभी तक के इतने सालों बाद जाके एक दिन में हमें इतने बड़े गिरावट देखने को मिला। तो अगर हम इस खबर की बात करें दोस्तों तो इस टाइम पे मतलब इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट तो जरूर है, बट अगर हम स्टॉक की मोमेंटम के लिए बात करें उनके लिए आज के दिन के न्यूज सबसे खराब हमें देखने को मिला। क्योंकि आपको बताएं कि काफी दिनों से जो अच्छे केमिकल कंपनी है उनमें एक तरफा बहुत ही जबरदस्त रिकवरी आ रही है और इन स्टॉक ने भी बॉटम लेवल से बहुत ही अच्छे खासे रिकवरी दिखा रहे थे। अगर आप 5-5 साल के ग्राफ को देखोगे तो आज भी नेट नेट डाउन है 30-35%, बट एक टाइम के 60% से ज्यादा डाउन थे, उसके बाद एक तरफा बहुत अच्छे खासे रिकवरी दिखाए, यहाँ पे नंबर आए तो नंबर भी अच्छे थे, बट जो आज के दिन जो खबर देखने को मिला तो उसके चलते जो मोमेंटम बना हुआ था वो पूरी तरह से उस मोमेंटम को तोड़ चुका है। अब पता नहीं कब तक ये स्टॉक फिर से जो 700 के लेवल से आज के दिन गिरा है उस लेवल तक वो दोबारा रिकवर करेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए तो नेगेटिव पॉइंट है, साथ साथ जो स्टॉक की मोमेंटम था उसको भी ये पूरी तरह से बहुत बड़े इंपैक्ट दे चुका है। तो अभी नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट इतना कहना चाहूंगा किसी के पास ये स्टॉक टॉप पे है या फिर किसी ने हाल ही में नंबर देख के बाद 700 के ऊपर बाय किया, तो अगर आपने लॉन्ग टाइम से साथ बाय किया बिजनेस बाय तो बिजनेस कंपनी के अच्छे, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कंपनी में इस प्रकार के अपडेट आए थे कि कंपनी ने बहुत बड़े कैपेक्स अनाउंसमेंट किया, उसके बाद यूरोपियन कंट्री के साइड से इनके डिमांड में बहुत ज्यादा स्लो डाउन देखने को मिला, तभी तो स्टॉक इस प्रकार से एक तरफा गिरा है। बिजनेस में इस प्रकार की चीजें चलती रहते हैं और अगर आप लॉन्ग टाइम से बाय किया तो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम में जैसे गिरा आ गया आपको धीमे धीमे जरूर इसमें रिकवरी देखने को आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो दीपक नाइट्रेट, अगर हम आज के दिन की बात करें तो इन स्टॉक में भी 5% की गिरावट और इसके पीछे का रीजन भी है कि प्रेशर यानी कि जो खबर हमें देखने को मिल रहा है आरती इंडस्ट्री के साइड से कि चाइना के साथ जिस प्रकार के हमें डंपिंग देखने को मिले, तो उनके लिए तो हर एक इंडियन केमिकल कंपनी में तो थोड़े बहुत दिक्कत है, हमें तो जरूर देखने को मिल जाएगा, किसी कंपनी में ज्यादा किसी कंपनी में कम, लेकिन जितनी भी केमिकल कंपनी है डेफिनेटली उन हर केमिकल कंपनी ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अपडेट तो जरूर है। और इनके चलते आपने देखा होगा आज के दिन जितने भी केमिकल स्टॉक है सभी में हमें आज के दिन एक अच्छे खासा करेक्शन देखने को मिला, किसी केमिकल स्टॉक में आपको ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा किसी में कम, बट इतना जरूर है कि आज के दिन पूरे केमिकल स्टॉक मतलब जितने भी केमिकल स्टॉक है सभी में हमें एक अच्छे खासे प्रेशर जरूर देखने को मिला। और दीपक नाइट्रेट की बात करें तो इन स्टॉक ने भी गिरावट के बाद काफी मतलब कुछ दिनों से बहुत ही कंसिस्टेंट से जबरदस्त रिकवरी दिखाई देख सकते हो, आज भी 6-6 महीने पहले के पास भी 28% के प्रॉफिट, साल भर में ऑलमोस्ट 40%, और 5 साल की बात करें तो 952%। बट इम्पोर्टेंट चीज कि इन स्टॉक ने अपना जो पुराने लेवल थे जिस लेवल से स्टॉक जबरदस्त तरीके से गिरा है अब उस लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट देके एकदम ऑल टाइम हाई पे थे, बट आज के दिन इस नेगेटिव खबर के चलते ये स्टॉक भी अपने मोमेंटम को कुछ देर के लिए हमें तोड़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक कहीं ना कहीं इस ये जो खबर है हर एक केमिकल स्टॉक के लिए जिन्होंने एक तरफा बहुत अच्छे खासे रिकवरी दिखा रहे थे तो उनके लिए एक बहुत बड़े नेगेटिव पॉइंट तो जरूर है।
तो ठीक है, बाजार में ये चीजें चलते रहती है। इससे पहले भी स्टॉक 40-50% गिरा, 3,000 के स्टॉक 1,500-1,600 तक आए थे, तो कंपनी देख सकते हो टाइम लगा अपने पुराने लेवल को ब्रेक करके फिर से स्टॉक हाई अचीव किया। तो फिलहाल स्टॉक टॉप से कुछ ही पॉइंट गिरा है 7-8%। अगर मान लो यहाँ से और भी एक अच्छे खासी गिरावट दिखाता है, ये स्टॉक आज जो 2800 पे आ रहा है, 2800 के आसपास देखने को मिल रहा है, अगर ये 2500 के आसपास मिल जाए, 2500 के आसपास, तो जरूर चाहते हो किसी के पास अगर स्टॉक है नहीं और कोई ये सोच रहा है कि यहाँ से जो स्टॉक ने कमबैक दिखा है, जो रिकवरी स्टॉक ने दिखा, ये रैली मिस हो चुका है उनके लिए, तो फिर से अगर स्टॉक में गिरावट होता है तो आपके लिए फिर से अच्छे खासे मौका है। अब जरूर चाहते हो लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम के बारे में भी, आप एंट्री लेने के बारे में भी चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। बाकी कंपनी अच्छे है तो किसी के पास है, चाहे आरती इंडस्ट्री हो, चाहे दीपक नाइट्रेट हो, बल्कि कोई और अच्छी केमिकल कंपनी। इस खबर के चलते आज के दिन हर एक केमिकल स्टॉक गिरा है, बट इसका अर्थ है कि कंपनी के बिजनेस पूरी तरह से बंद हो गया, जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार की चीजें बाजार में चलते रहते हैं, तो है किसी के पास, अगर आपके पास कोई भी अच्छी केमिकल कंपनी है तो आप जरूर उन कंपनी के साथ लॉन्ग टाइम हिसाब से आराम से बने रह सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो पॉलीकैब लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो इसमें भी लगभग 3% गिरा, पिछले एक मंथ की बात करें तो लगभग 4% डाउन, और बाकी पिछले 6 मंथ की बात करें तो आज भी नेट में 6 मंथ वाले के पास भी बहुत अच्छे प्रॉफिट है, लगभग 47% की प्रॉफिट। और बीच में तो ये स्टॉक टॉप लेवल से कंपनी के नंबर आने के बाद स्टॉक एक बहुत ही अच्छे गिरा था, तो फिर से कम बैक दिखा और मार्केट में प्रेशर होने के चलते फिर से स्टॉक में 2 दिन से हमें अच्छे खासे प्रेशर देखने को मिला है। और अब ये स्टॉक टॉप लेवल से फिर से एक डिसेंट गिरावट दिखा चुका है, जो कि लगभग 11-12% तक की गिरावट, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट डाउन। क्या इस गिरावट को देखे इस टाइम पे फ्रेज बाइंग करना चाहिए? तो दोस्तों अभी फिलहाल ये स्टॉक 11-12% गिरा है, तो फिलहाल फोकस बनाकर रखना किसी को अगर इसमें जाना ही है तो, क्योंकि जिस प्रकार के मार्केट में प्रेशर बना हुआ, ये प्रेशर अगर मार्केट में और कंटिन्यू होता है तो मार्केट गिरेगा, तो इस स्टॉक में भी मतलब अगर मार्केट में गिरा, मान लो आगे बाजार में इस प्रकार के प्रेशर रहता है, तो ये जो स्टॉक अभी गिरा है 12%, यहाँ से और भी स्टॉक में अच्छे खासे गिरावट आ सकता है, जो गिरावट फिर से स्टॉक जिस लेवल से यहाँ से बाउंस बैक दिखाए थे, ये 6,250 के दोबारा आपको ये इस लेवल, दोबारा इसी लेवल पे अंदर 6,250 तक भी आपको दोबारा आते हुए देखने को मिल सकता है, तब चाहो तो आराम से इसमें आप अपना एंट्री ले सकते हो। तो बाकी कंपनी दमदार है, बहुत ही कंसिस्टेंसी चलने वाली है, जब से शुरुआत हुआ तब से लेकर अभी तक बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट दिया है, 900% की रैली, और स्टॉक नियर बाय हमें टॉप पे देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक भी बहुत ही कंसिस्टेंसी चलने वाले स्टॉक है, एक अच्छी रैली, मतलब बीच बीच में आपको इस प्रकार के अच्छे खासे गिरावट देखने को मिल जाएगा, हमेशा एक अच्छी रैली के बाद आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगा, जो गिरावट एक बहुत ही नॉर्मल गिरावट होता है, मतलब वो गिरावट एक बहुत ही अच्छे खासे मौका भी होता है। और हाल ही में हमने कंपनी के Q1 के नंबर देखा, और Q1 के नंबर, बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं कंपनी के नंबर खराब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कंपनी के जो जून क्वार्टर के नंबर है वो हमेशा आपको डाउन ही देखने को मिलेगा, किसी भी मार्च क्वार्टर के बाद अगर आप जून के क्वार्टर के नंबर को देखोगे तो हमेशा आपको डाउन ही देखने को मिलेगा, बट उसके बाद जून क्वार्टर के बाद जितने भी क्वार्टर होता है, जून के बाद सेप्टेम्बर, दिसंबर, मार्च, बाकी जो 3 क्वार्टर इस साल के रहने वाले वो आपको अच्छे देखने को मिलेगा, किसी भी क्वार्टर को उठा के देख लो, जून के बाद देख सकते हो कि कितने सॉलिड कमबैक, उसके बाद और अच्छे नंबर, और उसके बाद और अच्छे नंबर, सेम यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे खराब नंबर कंपनी के हमें जून क्वार्टर के देखने को मिलता है, यानी कि इसके बाद कंपनी के जितने भी क्वार्टर के नंबर आएंगे, नेक्स्ट जो Q2 के नंबर आएंगे वो भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, उसके बाद जो Q3 के नंबर वो भी आपको अच्छे देखने को मिलेगा, और जो लास्ट नंबर आएंगे Q4 के वो तो आपको और धमाकेदार देखने को मिलेगा। तो मैनेजमेंट ने भी इसी प्रकार के गाइडेंस दे चुके हैं फ्यूचर आउटलुक के, कंपनी के इस बार के मतलब कंपनी के जो आगे के नंबर आने वाले अपकमिंग क्वार्टर के नंबर वो आपको बहुत ही कमाल के देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि मार्जिन में भी, जो फ्यूचर मार्जिन है उसमें भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिनके चलते आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टॉक को जो मोमेंटम है बहुत ही कंसिस्टेंसी चलने वाले मोमेंटम, ये मोमेंटम हमें आगे भी मतलब ये मोमेंटम हमें ऐसे ही कंटिन्यू होते देखने को मिल सकता है। तो किसी के पास ये कंपनी है देख सकते हो कि आज से 5 साल पहले 600 पे इसकी लिस्टिंग हुए थे, आज स्टॉक 6,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर स्टॉक ऐसे ही प्रॉफिट देते रहा तो बहुत जल्दी इस कंपनी के साइड से भी आपको बोनस स्प्लिट का अनाउंसमेंट भी आते हुए आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो TVS मोटर, अगर हम आज के दिन की बात करें तो लगभग 2% की तेजी, बाकी पिछले 5 साल में 600% तक की तेजी, और स्टॉक एकदम टॉप पे है, और उसी के साथ हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने 1:4 का बोनस का भी अनाउंसमेंट किया, तो जिसके पास है उनके लिए गुड न्यूज है, जिसके पास है नहीं तो बोनस और स्प्लिट के चलते किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं, अच्छी कंपनी के साथ बने रहोगे तो इस प्रकार के बोनस स्प्लिट आपको अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है।